बहुत सारे पुरुष जब कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि शायद मेरा ना हार्मोन ठीक नहीं है, मेरे को करने की इच्छा नहीं हो रही है, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो ये हार्मोन की कमी के क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि मेरे शरीर में शायद सेक्स हार्मोन की कमी हो रही है, मुझे उसे कैसे नेचुरली बढ़ाना है और वो लक्षण कौन से हैं जिसे आपने इग्नोर नहीं करना है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है लेकिन पता नहीं क्यों हम नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर ऐसे लक्षण आपको नजर आते हैं तो डेफिनेटली सचेत होने की जरूरत है। चैनल में नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें देखने हैं जो समझाएंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन की बात करती हूँ तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सबसे ऊपर रख रही हूँ, जो कि चीफ मेन सेक्सुअल हार्मोन है। मेल्स में इसका प्रोडक्शन टेस्टिकल्स में होता है, जो कि धीरे धीरे बॉडी में जो इच्छा है, अराउजल्स है, स्टिमुलेशंस हैं, या जैसे हम बोलते हैं कि हमें करने का मन कर रहा है, उसे इंक्रीज करता है। और अगर इसकी कमी है तो सबसे पहली चीज जो नजर आएगी वो ये कि आपको थकान होने लगेगी। अगर आप एक्सेसिवली सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं या फिर आप के जो एक्टिविटीज हैं वो ना कहीं बाउंड्री से बाहर गई हैं, जिसे हम एक्सेसिवली मास्टरबेशन भी कह सकते हैं, या आपका डाइट अच्छा नहीं रहता, आपका रूटीन में कहीं ना कहीं इशू है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है थकान। आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा शायद आज फिर छुट्टी होती है, आज मैं छुट्टी कर लेता, बॉडी पेन्स होने लग जाएंगे, या जैसे हम बोलते हैं भाई पैर के पीछे पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम और थकावट है, मेंटल फॉगिनेस है, तो समझ लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दूसरे नंबर पर मैं रख रही हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मसल है, मेरी बॉडी है वो बहुत वीक हो रहे हैं, बोन फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वीक है, कहीं से भी बॉडी में से कचकच की आवाजें आने लग रही हैं, या फिर आप कितना भी जिम मार रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, देन डेफिनेटली इट इज ऑल्सो अ सिग्नल कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंपैक्ट हो रहा है। तीसरे पे शायद मैं रख सकती हूँ कि जिन लोगों को इरेक्शन या प्रीमेच्योर इश्यूज हो रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है, स्टिल दे आर नॉट हैविंग इरेक्शंस ऑन टाइम, या फिर तनाव में कहीं दिक्कत है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कॉम्प्रोमाइज्ड है। साथ साथ अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, कहां रखा था मैं भूल गया, ये कहां था मुझे नहीं पता, उफ दिस पैक शेड्यूल, एंड योर माइंड इज कंफ्यूज्ड, जिसे मैंने ब्रेन फॉगिनेस भी बोला था, मेंटल फॉगिनेस भी बोला था, अगर ऐसा भी फील हो रहा है तो समझ लीजिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कॉम्प्रोमाइज है। साथ साथ बॉडी फैट बढ़ जाना, बालों का झड़ना, आंखों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाना, ये कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लो टेस्टोस्टेरोन लेवल से कनेक्टेड हैं। अगर ये सब आपको नजर आ रहे हैं तो इनका नेचुरल सॉल्यूशन पाना इंपॉर्टेंट है। कैसे कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेदा में चीजें हैं जो कि हेल्प करती हैं इसे नेचुरली मतलब विदाउट साइड इफेक्ट इंक्रीज करने की। सबसे पहले नंबर पर मैं रख देती हूँ शिलाजीत। शिलाजीत का तो मैं जितना मतलब मेरी शायद 150 वीडियोज में से 100 वीडियोस या शिलाजीत के बारे में बात करती हैं, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अभी भी नहीं ले रहे हो या आपको लग रहा है कि ये तो कोई नई चीज़ है जिसे फॉलो नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली यू शुड। इसमें फुलविक एसिड है जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के जो ओवरऑल मैकेनिज्म्स है उसको इंक्रीज करता है, तो शिलाजीत का सेवन नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, ऊपर से जो मेंटल क्लियरेंस है वो देगा। दूसरे नंबर पर रख रहे हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा थोड़ा सा शिलाजीत से न्यूट्रल है, अश्वगंधा मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, जो आपके आईसाइट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लाइफ के लिए, सबके लिए काफी बेनिफिशियल है। तीसरे नंबर पे रख देती हूं मैं कॉन्च बीज को। कॉन्च बीज में एड्रोजन इंक्रीजिंग हार्मोन्स होते हैं, कहते हैं अगर आप कॉन्च बीज का पाउडर थोड़ा सा मिश्री मिलाकर मे बी 5 से 6 हफ्ते भी ले लेते हैं तो आपके जो सिमेन क्वालिटी है वो बेटर होता है, स्पर्म क्वालिटी बेटर होता है, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, इरेक्शन बेटर हो जाती है, एंड ओवरऑल मेल स्टेमिना के लिए कॉन्च बीज मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। और फिर मैं बात करूंगी सफेद म्यूसली की, जो भी मेल सेक्सुअल स्टेमिना के लिए काफी इफेक्टिव है। सफेद म्यूसली मेल्स के लिए जो टॉप हम चीजें देखते हैं या टॉप आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सफेद म्यूसली भी रैंक करता है। अगर आप इसको दूध के साथ मिलाकर पीते हैं तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, साथ साथ इरेक्शन की प्रॉब्लम में भी ये सुधार लाता है। हमेशा समझिए कि ट्रीटमेंट से पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं अपनी बॉडी के सिग्नल्स को कैसे पहचानो। अगर आप सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छा ये गोली ले लेता हूँ, ये बाय कर लेता हूँ, ऐसे डॉक्टर को दिखाता हूँ, डिपेंड्स कि आपको समझना है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। और जब आप इग्नोर नहीं करेंगे और आप ट्रीटमेंट के डायरेक्शन में चल जाएंगे तो डेफिनेटली ऑप्शंस की कमी आपको कभी भी नहीं मिलने वाली। सो बेटर गो फॉर योर ट्रीटमेंट, बेटर अंडरस्टैंड कि वो कौन से साइंस हैं जिनको मैं छोड़ नहीं रहा हूं और डेफिनेटली फॉलो कर रहा हूं, तो ये वीडियो को डेफिनेटली आपको पूरा सुनना भी है, इंप्लीमेंट भी करना है। और आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं www.drnehamehta.com। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा।
हैंडल है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस है टॉक्स अबाउट मेल सेक्सुअलिटी, आप कैसे पावर इंक्रीज कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसे डेफिनेटली डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगर आप देखना चाहते हैं मेरा पॉडकास्ट, तो हमारा नया चैनल डॉक्टर नेहा मेहता शो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।